ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़प रहे लोगों की चीत्कार सुनाई देती है आपको नीतीश जी? नहीं देती होगी, क्योंकि वो आपके परिवार वाले थोड़ी है। अरे वो तो एक बिहारी है जो बार बार आप जैसे लोगों पर और नेताओं पर भरोसा करके सत्ता की चाबी आपको सौंप देते हैं, और आप विकास के नाम पर हमें इतना ठगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असली विकास का मायना क्या होता है। देखना है आपको मौत का नंगा नाच तो सर जाइए ना पटना के किसी शवदाह गृह में और देखिए बिलख रही उन माओं को, बिलख रहे उन बेटों को, दम तोड़ रही बहनों को, जिनके पति को, बाप को और भाई को सही इलाज नहीं मिला और वो चल बसे। माफ कीजिएगा सर, हम तो भूल गए थे कि आप 2004 वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी हैं, जिनके अंदर चुल है बिहार के विकास का। अब तो आपको कुर्सी चाहिए और उसका मजा। लेकिन सोचिए सर कि कोरोना के इस दूसरे लहर में आप नेताओं में इतनी कुवत नहीं है कि आप अपने राज्य को सही से रख सके। आपने कोई इंतजाम ही नहीं किया है कि आपके राज्य के लोग सुरक्षित रह सके, और इसीलिए इस लानत को स्वीकार करिएगा नीतीश जी। इसी कोरोना काल में लानत वाला वीडियो बनाए थे, और अब जब जनता जंक्शन के सारे टीम मेंबर्स को ये बात कहकर घर भेजना पड़ा है कि जान है तो जहान है, तो लगा कि आपको एक बार और लानत भेजना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं, जो आज के निर्लज हो चुके नेताओं पर होगी और अपने शर्म और लाज खो चुके अंध भक्तों पर। अरे कौन बात का नेता और कौन बात का मास लीडर? अगर बिहार के किसी नेता में इतनी ताकत है तो अपनी संपत्ति का पाई पाई लगाकर मर रहे बिहार के लोगों को बचाकर तो दिखा दे। हम गारंटी दे रहे हैं कि जिंदगी भर उस पर खबर करते रहेंगे बिना किसी दलाली के। और बिहार के उस मुख्यमंत्री में अगर कुवत है तो सस्पेंड करे स्वास्थ्य मंत्री साहब को और उनको ये बताए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ सुधार हो सके। कल मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में जो देखे वो देखकर रोंगटा खड़ा हो गया नीतीश जी। लगा कि आपके चलते बिहार में कोरोना फैल रहा है, इसको दोबारा बोल रहे हैं, जिसको कोरोना नहीं है उसको बिहार सरकार के चलते हो रहा है। पता है काहे? अपने स्क्रीन पर चल रहे इस दृश्य को देखिए और बताइए कि ये लोग यहां क्या करने आए होंगे। ये लोग कोरोना के जांच के लिए आए हैं और बहुत जोर से लानत भेज रहे हैं बिहार के उन सारे मंत्रियों को, मुजफ्फरपुर के विधायक को, मुजफ्फरपुर के सांसद को, बिहार के उन सारे नेताओं को जो इस बात पर टिके रहते हैं कि हम जन सेवा करना चाहते हैं। अरे आप तो जनता को लूटना चाहते हैं, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस पेंडेमिक में आकर जनता के साथ खड़ा हो सके। इस देश की विडंबना यह है कि इस स्क्रिप्ट के लिखे जाने के वक्त नरेंद्र मोदी जी अपने पेज से लाइव होकर आसनसोल में भाषण दे रहे थे और लोगों को यह बता रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा तो हम आपके भविष्य को बना देंगे। शायद मोदी साहब भूल गए हैं कि जिंदा रहने के बाद भविष्य की चिंता होती है। सुनिए ना नीतीश जी, आपने इनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तोड़ दीजिए वो गठबंधन। अगर आपका नेता लोगों की चिंता नहीं करता है तो नेता कहलाने के लायक नहीं है। दम तोड़ रहे उन लोगों के पास किसी नेता की गाड़ी नहीं पहुंच रही है, लेकिन सारे नेताओं का हेलीकॉप्टर साए साए करके वहां पहुंच जा रहा है जहां चुनाव है। इन नेताओं का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बस इतना याद रखिएगा मोदी जी कि जब आप अगली बार मन की बात कर रहे आएंगे तो एक डिसलाइक इस पत्रकार की तरफ से भी रहेगा, और मेरे निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले वो अंधभक्त मेरा जवाब अभी सुन ले कि मेरी पत्रकारिता से पहले मेरी इंसानियत आती है, और ये इंसानियत मुझे सिर्फ इतना सिखाती है कि मर रहे लोगों से ज्यादा जरूरी इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है, मध्य प्रदेश का हाल बुरा है, बिहार का हाल बुरा है, महाराष्ट्र का हाल बुरा है, और इन टुच्चे नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा कि अगर ये जनता नहीं रहेगी तो ये बेशर्म लोग लूट भी नहीं पाएंगे किसी को। अरे लूटने के लिए ही सही, लेकिन बचा लीजिए अपने लोगों को। अगर आपके अंदर बचाने की कुवत नहीं है तो सुनिए नीतीश जी, निकल रहे हैं आज से सारे लड़के और लड़कियों को छुट्टी करके उस बिहार को दिखाने जिस बिहार के लिए किसी बड़े शहर को छोड़कर यहां आ गए थे, और आपको यह दिखाने कि आपकी सरकार की नीतियों ने बिहार के बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं किया। और इन मर रहे लोगों की तस्वीरें उन सारे बुद्धिजीवियों तक पहुंचाएंगे जिसके हिसाब से नीतीश जी ने जंगल राज के नाम पर वोट तो ले लिया लेकिन असलियत में बिहार को ठेंगा दिखा दिया। और हुजूर याद रखिएगा, अगर हमको कुछ हुआ तो बस इतना समझ लीजिएगा कि आपने बिहार के उन युवाओं को छेड़ दिया है जिन्होंने बिहार के लिए कुछ संकल्प लिया था। घूमेंगे अस्पताल अस्पताल और दिखाएंगे आपकी नाकामी को, चाहे आपकी पुलिस पीटे या दारोगा जेल में बंद कर दे। अब बस एक ही मकसद है मेरा, और वो ये कि आपकी नाकामी का सबूत पूरा बिहार दिखे। और अंत में ये दो लाइन सुनिएगा कि अपने संघर्षों की तारीखें आबाद रखेंगे,
अपने संघर्षों की तारीखें आबाद रखेंगे, लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कि नीतीश जी आप भी याद रखेंगे। शुक्रिया।